JKTV, the voice of the voiceless. Like it and click on following and click on see first, then you will get all the new notifications and updates. JKTV, the voice of the voiceless. Like it. अल्लाह रहमान रहीम, एक बड़ा काफिला इस वक्त धरने की तरफ बढ़ता हुआ दिरकोट से यहाँ पर पहुँचा है। आप देख सकते हैं खासे लोग इस धरने का हिस्सा बने हुए हैं और ये एक बड़ा काफिला जो है वो इस वक्त धरने की तरफ बढ़ रहा है। जी हाँ, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त ये देख सकते हैं दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है ये काफिला जो है दिरकोट का काफिला यहाँ पर पहुँचा है। बड़ी तादाद में लोग इस काफिले का हिस्सा बने हैं और आपको ये दिखाता चलूं कि अगर खासे लोग यहाँ इस काफिले का हिस्सा बन चुके हैं। आज इन लोगों की खुशी का आलम यह है कि इस वक्त बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इस काफिले का हिस्सा बन के जा रहे हैं। जिसको नईम जेकेटीवी खत्म नहीं करना चाहता, ये हम समझते हैं सारे वक्त और हालात की मजबूरियां हैं, हमें पूरा यकीन है इंशाल्लाह और वो वक्त दूर नहीं है। हम आज यूनाइटेड नेशन के साथ जो मुतालबात हमने उनके सामने रखे हैं, मेरा सियासी कलमा है कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार और ये इसके ऊपर मुझे इतना यकीन है कि ये जब इस कौम को वोट का राइट मिलेगा तो मैं पूरे यकीन से स्टेज से कहता हूँ सबसे पहले राजा फारूक कैदर साहब आजादी। ये 360 फुट लंबा है और ये बाग से लोग आए हैं जिन्होंने ये लाया है आजादी। कोई किनारा ही नहीं है ना लो। मुज़ाकरात जो इस वक्त तक मुकम्मल करके हमारे कायदीन यहाँ पर आपके पास तशरीफ लाने वाले हैं, वो सारी सूरत हाल में ये बात शामिल नहीं, हमें उसके लिए NOC चाहिए होता है। हुकूमत पाकिस्तान NOC जारी नहीं करेगा आपके पास आने के लिए। हमने उनसे कहा यहाँ आपकी सिक्योरिटी, यहाँ आजाद कश्मीर हुकूमत की जिम्मेदारी है, यहाँ हमारा प्राइम मिनिस्टर करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जसकुल के मकाम से इस वक्त मैं आपके साथ मौजूद नईम। देख सकते हैं हमीद भट्ट साहब इस वक्त इस धरने में पहुंचे हैं, लोगों का जोश देखेंगे अभी आप कि कैसे उनको यहां से लेके जाया जाएगा। ये देख सकते हैं हमीद भट्ट साहब इस वक्त धरने की तरफ निकल रहे हैं। जी डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब इस धरने का बन चुके हैं, आप देख सकते हैं यह हमारे हमीद भट्ट साहब। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
आप मोहब्बतें देख सकते हैं कैसे यहाँ पर नारेबाजियों के साथ यहाँ पर लेके जाया जा रहा है। इस वक्त ये फ्लैग के नीचे आ चुके हैं जो कि कश्मीर का यहाँ पर फ्लैग बनाया गया था। रफीकदार साहब भी इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। नारेबाजी हम करते हैं, नारेबाजी आप सुन सकते हैं, यहाँ पर नारेबाजी शुरू है। हमीद भट्ट साहब इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं। हमीद भट्ट साहब यहाँ पर पहुँचे हैं। लहू में डूबी है वादी, अपना बने के फरियादी, ये जंग का जंग आजादी, ये जंग रही। मेरे साथ मौजूद है शेख मोहम्मद जमील साहब, इनका तलक बाग से है, जिन्होंने 360 फुट झंडा इन्होंने तैयार किया है कश्मीरी फ्लैग। आइए इनसे जानते हैं कि इनको कितने दिन लगे ये तैयार करने में। जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी मतलब मैंने ये झंडा 3 दिन में तैयार किया है। टोटल 3 दिन इसके बनाने में मुझे लगे हैं। जी अच्छा, कुछ पैगाम कोई देना चाहेंगे आप? जी मैंने ये एक अपनी कौम को एक पैगाम देने के लिए बनाया है कि इसका ये मैसेज है मेरी अपनी कौम के लिए कि दूसरे मुल्कों के झंडे ना उठाए जाएं, बल्कि अपना झंडा हमारे पास मौजूद है, इसी को फॉलो किया जाए। पूरी कौम एज अ कौम, किसी पार्टी, किसी मसले, किसी मजहब, किसी फिरके या किसी भी दूसरे चीज़ को साथ ना लिया जाए, बल्कि सिर्फ एक कश्मीरी कौम के नाम पर ये मैंने झंडा बनाया। इसको तमाम कश्मीरियों को फॉलो करना चाहिए, मैंने इसलिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत मेहरबानी। रहीम आपको ये बताते चले कि इस वक्त धरने में बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है। राजा फारूक का दरसा भी इस धरने का हिस्सा बन चुके हैं। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ धरने के अंदर के मनाजर के कोई जगह में खाली नजर नहीं आ रही, जहाँ पर लोग खड़े नहीं हैं। आपको दिखा रहा हूं धरने के अंदर के, जहां पर ये तमाम लोग खड़े हैं, स्टेज तक तमाम लोगों ने लाइन बनाकर यहां पर खड़े हो चुके हैं। और अगर मैं दूसरी तरफ दिखाऊं तो एक बड़ी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं और इस वक्त उनको लेकर, दर्शकों को लेकर इस धरने में शामिल हो रहे हैं। नारेबाजी खूब शुरू है, इस पार भी लेंगे आज़ादी, उस पार भी लेंगे आज़ादी, ये नारे आप सुन सकते हैं जो कि यहाँ पर इस वक्त शुरू हैं। राजा फारूक हैदर साहब इस वक्त धरने में, ये देख सकते हैं धरने के अंदर के मनाजिर इस वक्त आपको दिखाए जा रहे हैं। धरने के अंदर के मनाजिर कैसे यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो चुकी है, तमाम लोग इस वक्त उठकर खड़े हो चुके हैं और राजा फारूक हैदर साहब को यहाँ पर लेके आया जा रहा है। जी हाँ, इस वक्त आप सुन सकते हैं यहाँ पर नारेबाजी, खूब नारेबाजी यहाँ पर शुरू है। जी हाँ, ये इस पार भी लेंगे आज़ादी, उस पार भी लेंगे आज़ादी, ये कहते हुए इस वक्त स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं ये नौजवान। हम करेंगे, हम लड़ेंगे, इसकी हम लड़ेंगे। मैंने किसी जगह पर क्या बात की थी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। एक गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ,
मानी रहीम। इस वक्त आप देख सकते हैं कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर यहां पर पहुंच चुके हैं, राजा फारूक हैदर साहब इस वक्त यहां पर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कैसे यहां पर नारेबाजी शुरू हो चुकी है। राजा फारूक हैदर साहब इस वक्त इस काफले का हिस्सा बन रहे हैं। जी हां, ये देख सकते हैं राजा फारूक हैदर साहब जो है वो यहाँ पर नीचे उतर रहे हैं और कैसे यहाँ पर लोग उनको वेलकम कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं राजा फारूक हैदर साहब का पुरजोर इस्तकबाल किया जा रहा है। लोग चारों तरफ से घेर लिया है, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। ये इस वक्त राजा फारूक हैदर साहब इसे धरने का हिस्सा बन रहे हैं। जी हाँ, राजा फारूक हैदर साहब इस वक्त नारेबाजी के साथ उनको यहाँ पर इस्तकबाल किया जा रहा है। यहाँ पर नारेबाजी के साथ इनको लेकर आगे जाया जा रहा है। जी इस वक्त आप देख सकते हैं नारेबाजी यहां पर शुरू है। इस पार भी लेंगे आजादी, उस पार भी लेंगे आजादी। राजा फारूक हैदर इस वक्त इस धरने का हिस्सा बन रहे हैं। वो इस वक्त इस फ्लैग के नीचे आने वाले हैं जो आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। राजा फारूक हैदर साहब इस वक्त इस धरने का हिस्सा बन रहे हैं। जी हाँ, लोगों का जमेगा पीर यहाँ पर राजा फारूक हैदर साहब को वेलकम करते हुए धरने की तरफ लेके कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जेकेएलएफ के और तमाम कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं जो कि राजा फारूक हैदर साहब को वेलकम करते हुए धरने की तरफ लेके जा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वेलकम किया जा रहा है। तमाम मीडिया यहाँ पर मौजूद है। तमाम लोग ये देख सकते हैं इस वक्त धरने से बाहर आ चुके हैं और राजा फारूक हैदर साहब को वेलकम करने के लिए तमाम लोग यहां पर खड़े हैं। जसकुल के मकाम से नईम, JKTV। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आज़ादी मार्च के धरने में अभी वज़ीर आज़म रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब सरदार राजा फारूक हैदर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। आपको ये मनाजर दिखाता चलूं, राजा फारूक हैदर साहब जो तशरीफ़ ला चुके हैं अभी आज़ादी मार्च के धरने में UNO के नुमाइंदों के साथ जो मुज़ाकरात हमारी क़ियादत के हुए उसमें राजा फारूक हैदर साहब भी हमारे साथ शामिल थे। आप देख सकते हैं कि राजा फारूक हैदर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आज़ादी मार्च के धरने में। राजा फारूक हैदर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। हटा जी, राजा फारूक हैदर साहब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आज़ादी मार्च के धरने में तशरीफ़ ला चुके हैं। आप देख सकते हैं अभी कि उनका पुरजोर इस्तकबाल किया जा रहा है। जी, राजा फारूक हैदर साहब इस वक्त वापस जाते हुए उनके जाने के मनाज़िर हैं। तमाम लोग उनको यहाँ से आराम से उनको लेकर आगे जाया जा रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अनवर साहब और उनके साथ मौजूद हैं जनाब एसएम इब्राहिम साहब, उनके साथ मौजूद है जनाब हमारे साहब का सदर इब्राहिम साहब। आइए अनवर साहब से जानते हैं। अनवर साहब अभी यहाँ पर मौजूद थे राजा फारूक हैदर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप ये तमाम बातें सुनने के बाद? मैं समझता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की एक तारीखी फतह है। जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने मसला कश्मीर को दुनिया के सामने कश्मीर मसला अपना कर पेश किया और अकवा में मुतहदा जो 70 साल से हमारे ऊपर गासब टूटते हैं वो नहीं कर सके, हमारे ये जाली वकील नहीं कर सके, वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के वर्करों ने, उनके कारकुनों ने, उनकी क़यादत ने मिलकर अपने इस्तकामत के जुर्रत से और इस डरने से पूरी दुनिया को अट्रैक्ट किया और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि मसला कश्मीर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई सरहदी तनाज़ा नहीं है बल्कि कश्मीर की उनकी कौमी आज़ादी का मसला है। तो हम ये समझते हैं कि हम ये जदोजहद जारी रखेंगे, सियासी मार्ग पर, सफाती मार्ग पर और पिछड़ी हुई रियासत को हम जोड़ेंगे और
खूनी लकीर को तोड़ेंगे, अपने पौन तले रोंदेंगे और जम्मू कश्मीर लिबरेशन के बयानियों को आज आजाद कश्मीर की हर पॉलिटिकल पार्टी ने हान किया। तो ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नजरिए की फतह है, मकबूल भट्ट के फलसफे की फतह है, साजिद तारिक मुल्ला खान की जदोजहद की फतह है और यासिन मलिक की वलवल नरगिस क्यादत की फतह है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मामा लाल कमा दिया ने।